नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को अनवरत जारी रखते हुए धौलागढ़ माता श्रृंखला 19 में आज हम करने वाले नवोदय सिस्टम पर आधारित प्रश्नोत्तरी, जेएनवीज में कंडमनेशन कैसे होता है, डिस्पोजल कैसे होगा, मतलब कि एनबीएस में कंडमनेशन के क्या रूल है, क्या कमिटीज होती है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कंडमनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ आइटम्स इन जेएनवीज पार्ट फर्स्ट। तो साथियों देखते हैं धौलागढ़ माता श्रृंखला 19 का पहला क्वेश्चन। 341 अप टू व्हाट अमाउंट कैन ए प्रिंसिपल डिस्पोज ऑफ आइटम्स इन ए फाइनेंशियल ईयर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कंडमिनेशन एंड डिस्पोजल कमिटी एट द स्कूल लेवल, विद्यालय स्तर पर निस्तारण एवं निपटान समिति की संस्तुति पर प्राचार्य एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि तक मदों का निस्तारण कर सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ₹5 लैक्स, ₹15 लैक्स, ₹1.5 लैक्स और डी ऑप्शन हो जाएगा ₹50,000। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जेएनवी स्तर पर प्राचार्य को कितना पावर है कि वो आइटम को डिस्पोज कर ले, कितने अमाउंट के आइटम्स को डिस्पोज ऑफ कर सकता है डिस्पोजल कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार। सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी, 15 लैक्स, मतलब कि कंडमनेशन और डिस्पोजल कमेटी है वो रिकमेंड करेगी और उसके आधार पर प्रिंसिपल है वो स्कूल लेवल पर एक फाइनेंशियल ईयर में 15 लाख रुपए तक के आइटम है वो डिस्पोज ऑफ किए जा सकते हैं पर जेन भी। सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं 342। द प्रोसीजर ऑफ कंडमनेशन एंड डिस्पोजल में बी इनिशिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सामान के निस्तारण एवं निपटान की प्रक्रिया निम्न के अनुसार शुरू की जा सकती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, नॉन कंज्यूमेबल आर्टिकल्स विच आर आइडेंटिफाइड एज अनसर्विसेबल ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ लाइफ स्पेन और अनसर्विसेबल बिफोर एक्सपायरी ऑफ लाइफ स्पेन ड्यू टू अन इकोनॉमिकल रिपेयर और फुली अनसर्विसेबल बिफोर एक्सपायरी ऑफ लाइफ स्पेन ड्यू टू नेग्लिजेंस, फ्रॉड, थेफ्ट, मिसचेप और मिसिंग। बी ऑब्सोलीट आर्टिकल्स, सरप्लस आर्टिकल्स और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। तो सही उत्तर क्या होगा, कौन कौन से आइटम है उनको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, कंडमनेशन और डिस्पोजल किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव, मतलब कि नॉन कंज्यूमेबल आर्टिकल्स विच आर आइडेंटिफाइड एज अनसर्विसेबल ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ लाइफ स्पेन। पहली कंडीशन है कि नॉन कंज्यूमेबल आइटम है और वो अनसर्विसेबल हो गए, उनका लाइफ स्पेन भी एक्सपायर हो गया है। और कौन से आइटम का किया जा सकता है, अनसर्विसेबल बिफोर एक्सपायरी ऑफ लाइफ स्पेन, मतलब कि लाइफ स्पेन खत्म नहीं हुआ है परंतु अनसर्विसेबल हो गए, उनको भी डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। और इसके लिए कंडीशन बताई गई है कि उनको रिपेयर करवाना अन इकोनॉमिकल हो जाएगा, मतलब कि वो ठीक नहीं रहेगा, ज़्यादा खर्चा बैठेगा उसमें, और फुली अनसर्विसेबल बिफोर एक्सपायरी ऑफ लाइफ स्पेन ड्यू टू नेग्लिजेंस, फ्रॉड, थेफ्ट, मिससेफ और मिसिंग। इन कंडीशन में भी कंडमनेशन किया जा सकता है। तो पहली कंडीशन में क्या बताया कि नॉन कंज्यूमेबल आइटम है और साथ में ही वो अनसर्विसेबल हो गए, उनका लाइफ स्पेन भी एक्सपायर हो गया है। दूसरी कंडीशन में अनसर्विसेबल आइटम है, उनका लाइफ स्पेन खत्म नहीं हुआ है परंतु उनको ठीक करवाना उचित नहीं होगा, ज़्यादा खर्चा बैठेगा। तीसरी कंडीशन में फुली अनसर्विसेबल बिफोर एक्सपायरी ऑफ लाइफ स्पेन, मतलब कि वो अनसर्विसेबल है और लाइफ स्पेन भी खत्म नहीं हुआ है परंतु किसकी वजह से ये अनसर्विसेबल हुए, नेग्लिजेंस की वजह से, फ्रॉड, थेफ्ट, मिसचेप और मिसिंग की वजह से हुए। तो इन कंडीशंस में कंडमनेशन और डिस्पोजल किया जा सकता है। साथ में ऑब्सोलीट आइटम्स हैं, मतलब कि पुराने हो चुके हैं, सरप्लस आइटम है, इनको भी कंडमनेशन किया जा सकता है, डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, बोल दिए वो। क्वेश्चन देख लेते हैं 343। व्हेन शिफ्टिंग ए स्कूल फ्रॉम ए टेम्पररी साइट टू ए परमानेंट साइट, फ्रगाइल आइटम्स दैट मे बी डैमेज्ड ड्यूरिंग द शिफ्टिंग और विल नॉट बी नीडेड एट द परमानेंट साइट मे बी डिस्पोज्ड ऑफ विद द अप्रूवल ऑफ द डैश। एक अस्थायी साइट से एक स्थायी साइट पर एक स्कूल को स्थानांतरित करते समय शिफ्टिंग के दौरान क्षतिग्रस्त होने वाली या स्थायी साइट पर आवश्यक नहीं होने वाली नाजुक वस्तुओं को डैश के अनुमोदन से निपटाया जा सकता है। किसके अनुमोदन से निपटाया जा सकता है, कोई टेम्परेरी साइट पर विद्यालय चल रहा था उसको परमानेंट साइट पर शिफ्ट करना है और जब सामान शिफ्ट कर रहे हैं तो शिफ्ट करते समय जो फ्रगाइल आइटम है, मतलब कि नाजुक है, टूट फूट सकते हैं, उनको डिस्पोज ऑफ करना है। साथ में इस तरीके के आइटम है, फ्रगाइल आइटम है, मतलब कि नाजुक आइटम है, वो परमानेंट साइट पर चाहिए नहीं, तो इनको क्या किया जा सकता है, डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है।
तो ये डिस्पोज ऑफ है किसकी अनुमति से किया जा सकता है? ऑप्शन देख लेते, क्लस्टर इंचार्ज एसी, चेयरमैन ऑफ द कंडमिनेशन कमेटी, एनबीएस हेडक्वार्टर, रीजनल ऑफिस। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस से अनुमति लेकर के इन आइटम को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। कौन से आइटम को? जो कि फ्रुगाइल है, जो ट्रांसफर करते समय या शिफ्टिंग करते समय टूट फूट जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे, तो उनको क्या करना होगा? डिस्पोज ऑफ करना होगा। या परमानेंट साइट पर वो आइटम चाहिए नहीं होंगे, उनकी जरूरत नहीं होगी, तो भी आरओ की अनुमति लेकर के उनको क्या किया जा सकता है? निस्तारण किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, रीजनल ऑफिस। क्वेश्चन देख लेते 344। इफ एन आइटम बिकम्स अनसर्विसेबल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लाइफ स्पैन ड्यू टू नेग्लिजेंस, फ्रॉड, थेफ्ट, मिसशेप और मिसिंग, इन हाउ मेनी डेज शुड द एनवीएस आरओ कंप्लीट द एक्शन एज सून एज इज द केस इज रिपोर्टेड? यदि लापरवाही, धोखाधड़ी, चोरी, शरारत या गुमशुदगी के कारण जीवन काल की समाप्ति से पहले कोई वस्तु अनुपयोगी हो जाती है, तो एनवीएस आरओ को मामले की रिपोर्ट प्राप्त होते ही कितने दिनों में कार्रवाई पूर्ण करनी चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं, 30 डेज, 15 डेज, 45 डेज, 7 डेज। करेक्ट आंसर विल बी ए, 30 डेज। 30 दिनों के अंदर ये कार्रवाई पूर्ण कर लेनी चाहिए आरओ को। आरओ के पास में कोई रिपोर्ट हुआ है, अनसर्विसेबल आइटम को डिस्पोज ऑफ करने के लिए कोई रिपोर्ट आई है, रिकमेंडेशन आई है, और ये जो एक्सपायरी हुई है या आइटम अनसर्विसेबल हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? नेग्लिजेंस की वजह से, फ्रॉड, थैफ्ट, बिस्टेप और साथ में मिसिंग की वजह से इस तरीके का आइटम है, अनसर्विसेबल हुआ है, तो उसके लिए रिपोर्ट आई है, रिकमेंडेशन आई है। रिकमेंडेशन के प्रत्युत्तर में क्या करना होगा? आरओ को अनुमति देनी होगी। कितने दिनों के अंदर अनुमति देनी होगी इस तरीके का आइटम को डिस्पोज करने के लिए? 30 डेज के अंदर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, 30 डेज। क्वेश्चन देख लेते हैं 345। अकॉर्डिंग टू रूल 213 ऑफ GFR 2017, द प्रोसेस ऑफ कंडेमनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ आइटम्स कैन बी स्टार्टेड इन विच मंथ ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर? GFR 2017 के नियम 213 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के किस माह में मदों के निस्तारण एवं निपटान की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है? ऑप्शन है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन एंड रिकमेंडेशन देयर ऑन बाई द स्टॉक वेरिफिकेशन कमेटी, बोथ ए एंड बी, डी, नीदर ए नोर बी। करेक्ट आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी। मतलब कि GFR 2017 के नियम 213 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के किस माह में, अप्रैल के पहले वीक में ये कंडमनेशन है वो शुरू कर देना चाहिए, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल है वो शुरू कर देना चाहिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, और साथ में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन एंड रिकमेंडेशन देयर ऑन बाय द स्टॉक वेरिफिकेशन कमेटी। मतलब कि एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन होता है हर साल, और इसके बाद में स्टॉक वेरिफिकेशन कमेटी है वो रिकमेंड करती है कि आइटम है उनका कंडमिनेशन किया जाना चाहिए, तो इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना होगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ द स्टॉक वेरिफिकेशन कमेटी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 346, कंडमनेशन प्रोसेस इन जेएनवीज। तो कुछ पॉइंट बताए हैं, सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, द स्टॉक होल्डर शैल सबमिट द लिस्ट ऑफ आइटम्स टू द प्रिंसिपल आफ्टर एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन। सेकंड पॉइंट है, द OSSSA शैल रिव्यू एंड प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड हेडवाइज लिस्ट विद कंप्लीट डिटेल्स एंड पुट अप बिफोर द कंडमनेशन कमेटी आफ्टर अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल। थर्ड पॉइंट है, द कंडमिनेशन कमेटी शैल एग्जामिन द कंसोलिडेटेड हेड वाइज लिस्ट एंड ऑल्सो मेक रिकमेंडेशन एंड सबमिट टू चेयरमैन ऑफ द कमेटी फॉर अप्रूवल। फोर्थ पॉइंट है, द आर्टिकल्स विच रिक्वायर्स द अप्रूवल फ्रॉम आरओ मे बी फॉरवर्डेड टू द आरओ विद कंप्लीट डिटेल्स एंड रिकमेंडेशन। आरओ मस्ट टेक डिसीजन विद इन 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द प्रपोजल फ्रॉम ए जेएनबी। विद्यालय स्तर पर निस्तारण के बिंदु देखें तो कौन कौन से बिंदु सही हो जाएंगे? ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ओनली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ओनली, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सभी पॉइंट ठीक हो जाएंगे। कंडमनेशन प्रोसेस इन जेएनबी, तो जेएनबी लेवल पर कंडमनेशन प्रोसेस के लिए पहला पॉइंट है, द स्टॉक होल्डर सेल सबमिट द लिस्ट ऑफ आइटम्स टू द प्रिंसिपल आफ्टर एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन।
स्टॉक होल्डर है वो एक लिस्ट तैयार करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद में आइटम की लिस्ट देगा, किसको, प्रिंसिपल को सबमिट करेगा, और ये लिस्ट है बाद में किसके द्वारा कंपाइल की जाएगी, द ओएस एसएसए शैल रिव्यू एंड प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड हेडवाइज लिस्ट विद कंप्लीट डिटेल्स एंड पुट अप बिफोर द कंडमिनेशन कमिटी आफ्टर अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब कि वो कंपाइल करेंगे जो भी लिस्ट आई है स्टॉक होल्डर से, जो लिस्ट आई है उसको ओएस या एसएसए है वो हेडवाइज कंसोलिडेटेड करेंगे और कंप्लीट डिटेल के साथ में इस लिस्ट को अप्रूवल करवा करके प्रिंसिपल को सबमिट कर देंगे, किसको, कंडमिनेशन कमेटी को कर देंगे। थर्ड पॉइंट है द कंडमिनेशन कमेटी सेल एग्जामाइन द कंसोलिडेटेड हेडवाइज लिस्ट एंड ऑल्सो मेक रिकमेंडेशन एंड सबमिट टू चेयरमैन ऑफ द कमेटी फॉर अप्रूवल। तो जो लिस्ट आई है वो कंडमिनेशन कमेटी है वो उनको चेक करेगी, कंसोलिडेट करेगी, एग्जामाइन करेगी और चेयरमैन को सबमिट कर देगी। और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा द आर्टिकल्स विच रिक्वायर्स द अप्रूवल फ्रॉम आरओ मे बी फॉरवर्डेड टू द आरओ विद कंप्लीट डिटेल्स एंड रिकमेंडेशंस। कुछ आइटम की कीमत है वो ज़्यादा होती है, खरीद मूल्य ज़्यादा होता है, तो उसके लिए अप्रूवल लेना होता है आरओ से। और ये बताया गया है कि आरओ है वो 15 दिन के अंदर उस लिस्ट को या प्रपोजल को अप्रूव करके दे देगा। तो चारों पॉइंट है वो कंडमनेशन के लिए सही हो जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, हमारा उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देख लेते हैं 347। इफ देयर इज नो आइटम इन द प्रपोज्ड कंडमनेशन एंड डिस्पोजल लिस्ट हुज परचेज प्राइस इज मोर देन ₹50,000 पर आइटम देन विच मेंबर ऑफ द कंडमनेशन प्रोसेस कमिटी इज नॉट नेसेसरी एट द जेन बिलीवर। यदि प्रस्तावित अनुपयोगी निस्तारण सूची में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका क्रय मूल्य प्रति मद ₹50,000 से अधिक हो तो जवाहर नवोदय विद्यालय स्तर पर निस्तारण प्रक्रिया समिति का कौन सा सदस्य आवश्यक नहीं है। मतलब कि यहाँ पर बताया गया कि 50,000 से अधिक का कोई आइटम नहीं है तो कौन सा मेंबर कमेटी में नहीं होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न जेएनबी चेयरमैन, प्रिंसिपल ऑफ ए नियर बाई जेएनबी मेंबर, वाइस प्रिंसिपल एसएमटी मेंबर, ओएस एसएसए मेंबर सेक्रेटरी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, प्रिंसिपल ऑफ ए नियर बाई जेएनबी मेंबर के रूप में उसको बुलाने की जरूरत नहीं होगी, ये सभी होंगे। बाकी प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न जेएनबी चेयरमैन के रूप में कार्य करेंगे, साथ में वाइस प्रिंसिपल या सीनियर मोस्ट टीचर है वो मेंबर के रूप में कार्य करेंगे, और ओएस या एसएसए मतलब कि यूडीसी है वो मेंबर सेक्रेटरी के रूप में कार्य करेंगे। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रिंसिपल ऑफ ए नियर बाई जेएनबी मेंबर के रूप में बुलाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन देख लेते 348। व्हाइल ऑक्शनिंग अनसर्विसेबल नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन रूल 217-221 ऑफ जीएफआर 2017 द प्रिंसिपल शैल डिस्पोज ऑफ द आइटम टू द हाईएस्ट बिडर, व्हाट शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल ऑक्शनिंग सच ए नॉन कंज्यूमेबल आइटम। जीएफआर 2017 के नियम 217 से 221 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुपयोगी गैर उपभोज्य वस्तुओं की नीलामी करते समय प्रिंसिपल आइटम को उच्चतम बोली लगाने वाले को बेच सकते हैं। ऐसी गैर उपभोज्य वस्तु की नीलामी करते समय क्या विचार किया जाना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, मार्केट प्राइस, स्क्रैप वैल्यू, ए वेरिएबल रिजर्व प्राइस, स्क्रैप वैल्यू, ए रिजर्व प्राइस, स्क्रैप वैल्यू, और डी है ए रीजनेबल प्राइस वैल्यू। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, ए रिजर्व प्राइस स्क्रैप वैल्यू। मतलब कि एक रिजर्व प्राइस या स्क्रैप वैल्यू है वो फिक्स करनी चाहिए, एक फिक्स वैल्यू होगी, एक रिजर्व वैल्यू होगी, और इस रिजर्व वैल्यू से कम पर आइटम है वो बेचा नहीं जाएगा, तो रिजर्व वैल्यू होना जरूरी है। रिजर्व वैल्यू या रिजर्व प्राइस है वो मिनिमम प्राइस है वो कम से कम निर्धारित की जानी चाहिए, फिक्स की जानी चाहिए। कोई भी आइटम बेच रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं तो ऑक्शन करते समय एक फिक्स रिजर्व प्राइस है या स्क्रैप वैल्यू है वो लगाई जाएगी। क्वेश्चन देख लेते 349। एन अनसर्विसेबल आर्टिकल विच इज परचेज्ड फॉर ₹50,000 एंड इज नॉट इकोनॉमिकल टू रिपेयर कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द प्रिंसिपल एट द स्कूल लेवल, हु कैन गिव ए सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट द रिपेयर ऑफ द आइटम इज नॉट इकोनॉमिकली लॉजिकल। एक अनुपयोगी वस्तु जो ₹50,000 में खरीदी जाती है, मतलब कि खरीदी गई थी और मरम्मत के लिए किफायती नहीं है, उसकी मरम्मत करवाना ठीक नहीं है, किफायती नहीं है, स्कूल स्तर पर प्रिंसिपल द्वारा निपटाया जा सकता है, मतलब कि डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है,
इस आशय का प्रमाण पत्र कौन दे सकता है कि वस्तु की मरम्मत आर्थिक रूप से तर्कसंगत नहीं है, कि उसको मरम्मत करवाना उचित नहीं है, तो इस प्रकार का प्रमाण पत्र किससे प्राप्त किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं, OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और एनी ऑथराइज्ड वर्कशॉप सर्विस सेंटर कंडमनेशन एंड डिस्पोजल कमेटी एट रीजनल ऑफिस लेवल चेयरमैन ऑफ कंडमनेशन एंड डिस्पोजल कमेटी एट स्कूल लेवल और DC ऑफ द कंसर्न रीजनल ऑफिस। तो कौन सर्टिफाई करेगा कि इस आइटम को रिपेयर करवाएंगे तो वो इकोनॉमिकली लॉजिकल नहीं होगा, उचित नहीं होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और एनी ऑथराइज्ड वर्कशॉप या सर्विस सेंटर है, इस बात का प्रमाण पत्र देंगे कि इसको ठीक करवाने में ज्यादा खर्चा बैठेगा तो इसको स्कूल लेवल पर विद्यालय लेवल पर डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन देख लेते 350। व्हाट फर्दर एक्शन विल द प्रिंसिपल टेक ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द कंडमनेशन एंड डिस्पोजल कमेटी एट द स्कूल लेवल? विद्यालय स्तर पर निस्तारण एवं निपटान समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर प्राचार्य आगे क्या कार्रवाई करेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं, ही विल अप्रूव द प्रपोजल फॉर द आइटम्स हुज परचेज वैल्यू इज अप टू ₹50,000 पर आइटम एंड स्टार्ट द प्रोसीजर ऑफ डिस्पोजल ऑफ सच आर्टिकल्स। बी ऑप्शन है, फॉर आर्टिकल्स हुज परचेज वैल्यू इज मोर देन ₹50,000 पर आइटम द प्रपोजल इज टू बी सेंड टू द कंसर्न NVS regional office for approval, C, both A and B, D, neither A nor B. Correct answer will be C. दोनों ही पॉइंट ठीक हो जाएंगे, कंडमनेशन और डिस्पोजल कमेटी है, उसने डिसीजन ले लिया है और उसके आधार पर प्रिंसिपल है आगे की कार्रवाई करेंगे निस्तारण के लिए। पहला क्या है, he will approve the proposal for the items whose purchase value is up to ₹50,000 per item and start the procedure of disposal of such articles। मतलब कि जो आइटम ₹50,000 में खरीदे गए थे और अब अनसर्विसेबल हो गए, कंडमनेशन के स्थिति में आ गए हैं, तो इनको कंडमनेशन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर डिस्पोजल किया जा सकता है प्रिंसिपल के द्वारा। साथ में फोर आर्टिकल्स हुज परचेज वैल्यू इज मोर देन 50,000 पर आइटम द प्रपोजल इज टू बी सेंड टू द कंसर्न NVS रीजनल ऑफिस फॉर अप्रूवल। ₹50,000 से ज्यादा की कीमत का कोई आइटम को कंडम आप कर रहे हैं तो उसके लिए अप्रूवल लेना होगा, RO से लेना होगा, उसके लिए प्रपोजल भेजना होगा और ये प्रपोजल है वो भी कंडमनेशन और डिस्पोजल कमेटी है, उसके द्वारा डिसीजन लेने के बाद में प्रिंसिपल है वो अप्रूवल के लिए कहाँ भेजेगा, NVS RO को भेजेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी करेक्ट। क्वेश्चन देख लेते 351। If any article becomes unserviceable before the expiry of life span due to negligence, fraud, theft, mischief or missing, who shall be responsible to report the matter to NVSRO? Any delay shall be followed by appropriate disciplinary action against him. यदि लापरवाही, धोखाधड़ी, चोरी, शरारत या गुमशुदगी के कारण जीवन काल की समाप्ति से पहले कोई वस्तु अनुपयोगी हो जाती है तो NVSRO को मामले की रिपोर्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? किसी भी प्रकार की देरी पर उसके खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऑप्शन है प्रिंसिपल, स्टॉक इंचार्ज, स्टोर कीपर, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि कोई आइटम अनसर्विसेबल हो गया है जिसकी लाइफ स्पेन अभी खत्म नहीं हुई है, और यह अनसर्विसेबल क्यों हुआ है? नेग्लिजेंस की वजह से, फ्रॉड की वजह से, थेफ्ट की वजह से, या मिसटेप या मिसिंग की वजह से ये आइटम है वो खराब हुए हैं, तो इसके लिए रिपोर्ट करनी होगी किसको? प्रिंसिपल को करनी होगी। अगर प्रिंसिपल इस प्रकार की रिपोर्ट करने में देरी करते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। अगला सवाल 352। व्हेन ए जेएनवी शिफ्टेड फ्रॉम टेम्पररी साइट टू परमानेंट साइट, दे मे हैव मेनी सरप्लस आइटम्स लाइक GI सीट्स, GI पाइप्स, सीलिंग फैंस, ट्यूबलाइट फिटिंग्स, वाटर स्टोरेज टैंक्स, वाटर टैप्स, स्टूडेंट बेड्स, आयरन डबल बेड्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एटसेट्रा। व्हाट टू डू विद ऑल दीज सरप्लस आइटम्स? जब एक जेएनवी अस्थायी साइट से स्थायी साइट पर स्थानांतरित हो जाता है तो उनके पास GI सीट, GI पाइप, छत के पंखे, ट्यूबलाइट फिटिंग, पानी के भंडारण टैंक, पानी के नल, छात्रों के बिस्तर, लोहे के डबल बेड, बिजली की फिटिंग जैसे कई अतिरिक्त सामान हो सकते हैं। इन सभी अतिरिक्त वस्तुओं का क्या करना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं, ए प्रपोजल फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ द जेएनवी शुड बी फॉरवर्डेड टू रीजनल ऑफिस कंसर्न, रीजनल ऑफिस में परमिट प्रपोजल्स फॉर
First, the transfer of items to nearby JNVs considering the viable transportation cost, or second, disposal of items by auction by the JNV, or C option hai, both A and B, D, neither A nor B. Correct answer is C, both A and B. A proposal from principal of the JNV should be forwarded to regional office concerned. मतलब कि इन आइटम को डिस्पोज ऑफ करने के लिए या क्या करना है उसके लिए प्रपोजल भेजना होगा आरओ को, और साथ में रीजनल ऑफिस में परमिट प्रपोजल्स फॉर रीजनल ऑफिस है उसके लिए क्या कार्रवाई करेगी, ये आदेश दे सकती है. द ट्रांसफर ऑफ आइटम्स टू नियर बाई जे एन वी कंसिडरिंग द वियबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब कि ये बोला जा सकता है कि इन सारे आइटम को नियर बाई जे एन वी को ट्रांसफर कर दिया जाए परंतु उसके वियबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखी जाएगी कि ज्यादा खर्चा ना हो बैठे, और साथ में डिस्पोजल ऑफ आइटम्स बाई ऑक्शन बाई द जे एन वी ये भी आदेश दिया जा सकता है, अप्रूवल दिया जा सकता है कि आप अपने लेवल पर उसका ऑक्शन कर दीजिए, या तो आप ट्रांसफर कर दीजिए नियर बाई जे एन वी को या अपने लेवल पर ऑक्शन कर लीजिए, तो ये अप्रूवल दिया जा सकता है. सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा. क्वेश्चन देख लेते हैं 353. एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी द प्रोसीजर फॉर कंडमनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ आर्टिकल्स इन जे एन वीज इश्यूड वाइड लेटर नंबर डैश ऑन डेटेड 26 मार्च 2018 समिति की सिफारिशों के अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालय में लेखों के निस्तारण एवं निपटान की प्रक्रिया दिनांक 26/3/2018 को पत्र डैश द्वारा जारी की गई. तो कौन सा पत्र जारी किया गया कंडमनेशन और डिस्पोजल के लिए, ऑप्शन देख लेते हैं. फाइल नंबर 72/2018 academic/51 डेटेड 13 February 2018. बी ऑप्शन है फाइल नंबर 2/20/2017 NVSSA/175 डेटेड 26 March 2018. ओनली ए इज करेक्ट फॉर रीडिंग आउट ऑफ लाइब्रेरी बुक्स. डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट फॉर कंडमनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ आर्टिकल्स इन जेल बीच. सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा. बोथ ए एंड बी आर करेक्ट फॉर कंडमनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ आर्टिकल्स इन जेएनवीज. तो दो लेटर जारी किए गए थे. पहला लेटर है फाइल नंबर 72/2018 academic/51 डेटेड 13 फरवरी 2018 को जारी किया गया था, और ये किससे संबंधित था, वीडिंग आउट ऑफ लाइब्रेरी बुक से संबंधित था. मतलब कि लाइब्रेरी बुक को कंडम करने के लिए लेटर जारी किया गया था. तो ये आपको ध्यान करना है कि अगर रीडिंग आउट ऑफ लाइब्रेरी बुक से संबंधित लेटर आता है तो फाइल नंबर 72/2018 academic/51 आ जाएगा, और ये 13 फरवरी 2018 को जारी किया गया था. दूसरा लेटर है फाइल नंबर 220/2017 NVSSA/175 डेटेड 26 मार्च 2018. तो जो कंडमनेशन और डिस्पोजल के लिए दूसरे आइटम के कंडमनेशन के लिए लेटर जारी किया गया था, ये जारी किया गया था 26 मार्च 2018 को. लेटर नंबर भी यहाँ पर दिया गया है. तो दोनों पॉइंट है वो ठीक हो जाते हैं, कंडमनेशन और डिस्पोजल या वीडिंग आउट के लिए. सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. क्वेश्चन देख लेते हैं 354. हु विल बी कॉम्पिटेंट टू डिस्पोज ऑफ एन अनसर्विसेबल सलीट आर्टिकल हुज लाइफ स्पेन इज ओवर एंड द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज मोर देन ₹50,000. अनुपयोगी अप्रचलित वस्तु का निपटान करने के लिए कौन सक्षम होगा जिस वस्तु का जीवन काल समाप्त हो गया है और वस्तु की लागत ₹50,000 से अधिक है. ऑप्शन देख लेते हैं. चेयरमैन ऑफ कंडमनेशन एंड डिस्पोज एट जेएनवी लेवल एनवीएस हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिस फाइनेंशियल ऑफिसर एट एनवीएस हेडक्वार्टर. सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, रीजनल ऑफिस. मतलब कि कोई आइटम है वो अनसर्विसेबल हो गया है, पुराना हो गया है, परंतु जिसकी कीमत ₹50,000 से अधिक है, तो ₹50,000 से अधिक कीमत का अनसर्विसेबल कोई आइटम है, पुराना आइटम है, उसको डिस्पोज ऑफ करने की अनुमति कौन देंगे, कौन कॉम्पिटेंट होंगे, रीजनल ऑफिस होगा. सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी. अगला सवाल 355. दिस कमिटी विल रिव्यू. तो कमेटी के बारे में ये कुछ पॉइंट बताए. सबसे पहले देख लेते हैं द स्टेटस ऑफ अनसर्विसेबल आर्टिकल्स which have completed their prescribed span of life. Second, the status of unserviceable articles which have not completed their prescribed span of life but uneconomical to repair. Or third point hai, sleet articles, surplus articles and make it recommendation for condemnation, disposal
जेन भी स्तर पर निस्तारण निपटान कमेटी निम्न प्रस्ताव पारित करेगी, कौन से पॉइंट है वो रिव्यू किए जाएंगे, प्रस्ताव को देखा जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट थर्ड ओनली, सेकंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और डी ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। सही उत्तर हमारा होगा सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सभी पॉइंट ठीक हो जाएंगे। द स्टेटस ऑफ अनसर्विसेबल आर्टिकल्स विच हैव कंप्लीटेड देयर प्रेस्क्राइब्ड स्पेन ऑफ लाइफ, कंडमनेशन कमेटी है वो रिव्यू करेगी, अनसर्विसेबल आर्टिकल है उनको देखेगी, उनको परखेगी कि उनकी लाइफ स्पेन कंप्लीट हो गई है, वो अनसर्विसेबल भी हो गए। साथ में स्टेटस ऑफ अनसर्विसेबल आर्टिकल्स विच हैव नॉट कंप्लीटेड देयर प्रेस्क्राइब्ड स्पेन ऑफ लाइफ बट अन इकोनॉमिकल टू रिपेयर, ये देखा जाएगा कि उसका लाइफ स्पेन तो अभी तक है, मतलब कि वो लाइफ स्पेन उसका खत्म नहीं हुआ है, परंतु उसको ठीक करवाना उचित नहीं है, इकोनॉमिकली वो ठीक नहीं है और अनसर्विसेबल है, उसका स्टेटस भी देखा जाएगा। और ऑब्सोलीट आर्टिकल्स, सरप्लस आर्टिकल्स एंड मेक इट रिकमेंडेशन फॉर कंडमनेशन एंड डिस्पोजल, ये भी रिव्यू किया जाएगा कि पुराने आइटम है या सरप्लस आइटम है, अभी वो काम के नहीं है तो इसके लिए रिकमेंडेशन दी जाए कंडमनेशन के लिए। सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, तीनों पॉइंट ठीक होंगे, दिस कमिटी विल रिव्यू, ये सभी पॉइंट को रिव्यू करेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन है 356, कंडमनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ आइटम्स एट एनवीएस आरओ लेवल, आरओ लेवल पर कंडमनेशन और डिस्पोजल के लिए क्या पॉइंट है देख लेते हैं। एन अनसर्विसेबल आर्टिकल विच हैव नॉट कंप्लीटेड इट्स लाइफ स्पेन एंड इज बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर हैविंग कॉस्ट मोर देन ₹50,000 पर आर्टिकल। सेकेंड पॉइंट है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस आर्टिकल्स ऑफ एनी वैल्यू आफ्टर इंश्योरिंग दैट सेम इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड इन एनी अदर जेएनवी। थर्ड, राइटिंग ऑफ ऑफ मिसिंग स्टोलन आर्टिकल्स ऑफ एनी वैल्यू थ्रू ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। फोर्थ, टू एक्सटेंड द एनुअल अपर लिमिट ऑफ जेएनवीज दैट इज ₹50,00,000 इफ रिक्वेस्टेड बाई जेएनवीज विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। एनवीएस आरओ स्तर पर वस्तु की निस्तारण एवं निपटान के निम्न बिंदु सही है, कौन कौन से बिंदु ठीक हो जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, सभी पॉइंट ठीक हो जाएंगे, कंडमनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ आइटम्स एट एनवीएस आरओ लेवल पर ये सभी पॉइंट ठीक हो जाएंगे। एन अनसर्विसेबल आर्टिकल विच हैव नॉट कंप्लीटेड इट्स लाइफ स्पेन एंड इज बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर हैविंग कॉस्ट मोर देन ₹50,000 पर आइटम, मतलब कि कोई ऐसा आइटम है जो अनसर्विसेबल हो गया है परंतु उसका लाइफ स्पेन कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको रिपेयर करवाना उचित नहीं होगा, वो किफायती नहीं होगा और उसकी कीमत ₹50,000 तक है, तो इसको कंडमनेशन किया जा सकता है। कहाँ पर, आरओ लेवल पर, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस आर्टिकल्स ऑफ एनी वैल्यू आफ्टर इंश्योरिंग दैट सेम इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड इन एनी अदर जेन भी। इन आइटम को भी डिस्पोज किया जा सकता है, कोई भी वैल्यू का आइटम हो, ये भी इंश्योर करना होगा कि ये आइटम दूसरे जेएनबी के लिए आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। और तीसरा पॉइंट है राइटिंग ऑफ मिसिंग स्टोलन आर्टिकल्स ऑफ एनी वैल्यू थ्रू ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, तो कोई आइटम खो गया है या चोरी हो गया है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करने के बाद में राइट ऑफ किया जा सकता है आरओ लेवल पर। और फोर्थ पॉइंट है टू एक्सटेंड द एनुअल अपर लिमिट ऑफ जेएनवीज ₹50,00,000, मतलब कि हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि एक एनुअल ईयर में ₹15,00,000 तक का उसको डिस्पोज ऑफ करने का पावर है विद्यालय लेवल पर, परंतु ऐसे कोई आइटम है जो 15 लाख से ज्यादा बन रहे हैं तो उसके लिए रिक्वेस्ट भेजनी होगी, आरओ से अप्रूवल लेनी होगी और आरओ है वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन प्राप्त होने के बाद में अप्रूवल दे सकता है, 15 लाख से अधिक सीलिंग है वो बढ़ा सकता है। तो ये सभी पॉइंट है कंडमनेशन के लिए, आरओ है अपने लेवल पर कर सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर करेक्ट। अगला सवाल देख लेते 347, फॉर डिस्पोजल ऑफ अनयूजेबल आइटम्स ड्यू टू नेग्लिजेंस फ्रॉड थेफ्ट मिसशेप और मिसिंग इन द स्कूल अंडर हुज चेयरमैनशिप ए कमिटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एट द आरओ लेवल। स्कूल में लापरवाही, धोखाधड़ी, चोरी, शरारत या गुम होने के कारण अनुपयोगी वस्तुओं के निपटान के लिए आरओ स्तर पर किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ नियर बाई जेएनवी, प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न जेएनवी, क्लस्टर इंचार्ज, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर एनवीएस आरओ। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, क्लस्टर इंचार्ज, असिस्टेंट कमिश्नर, मतलब कि
क्लस्टर इंचार्ज एसी है उसके अंडर में ये कमेटी है, चेयरमैनशिप में कमेटी बनेगी। और ये कमेटी है क्यों बनी है, कोई आइटम अनुपयोगी हो गया है, अनयूजेबल हो गया है ड्यू टू नेग्लिजेंस, फ्रॉड, थेफ्ट, मिसस्टेप और मिसिंग की वजह से, एनबीएस आरओ स्तर पर क्लस्टर इंचार्ज एसी है वो चेयरमैन होंगे इस तरीके के आइटम को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन देख लेते 358। स्टॉक वेरिफिकेशन कैन बी डन अगेन इन जेएनबीज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, द कंडमिनेशन एंड डिस्पोजल प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड एज पर रिक्वायरमेंट इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, हु विल बी द कमेटी मेंबर्स एट जेएनबी लेवल टू इनिशिएट द कंडमिनेशन एंड डिस्पोजल प्रोसेस। जेएनबी में जब भी आवश्यक हो स्टॉक सत्यापन फिर से किया जा सकता है और उसी वित्तीय वर्ष में आवश्यकता के अनुसार निस्तारण एवं निपटान की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। निस्तारण एवं निपटान प्रक्रिया शुरू करने के लिए जेएनबी स्तर पर समिति सदस्य कौन होंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हर साल क्या करना होगा, स्टॉक वेरिफिकेशन के बाद में कंडमिनेशन प्रोसेस है वो किया जा सकता है, परंतु इस क्वेश्चन में बताया गया है कि स्टॉक वेरिफिकेशन करने के बाद में फिर से कंडमिनेशन और डिस्पोजल प्रोसेस है वो शुरू किया जा सकता है, मतलब कि एक ही फाइनेंशियल ईयर में फिर से दोबारा से ये कार्रवाई की जा सकती है। तो उसके लिए जो कमेटी बनेगी वो उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे, क्या उसके रूल होंगे, ऑप्शन देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न जेएनबी चेयरमैन एंड प्रिंसिपल ऑफ ए नियर बाई जेएनबी मेंबर होंगे, इफ कॉस्ट ₹50,000 पर आइटम, वाइस प्रिंसिपल एसएमटी मेंबर एंड स्टॉक होल्डर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टॉक मेंबर एंड ऑल्सो स्टोर कीपर मेंबर, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, एसएसए मेंबर सेक्रेटरी, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी ऑल दी अबव। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न जेएनबी चेयरमैन होंगे, प्रिंसिपल ऑफ नियर बाई जेएनबी मेंबर होंगे अगर कोई आइटम की कीमत ₹50,000 है, वाइस प्रिंसिपल एसएमटी मेंबर होंगे, स्टॉक होल्डर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टॉक वो भी मेंबर होंगे एंड ऑल्सो स्टोर कीपर मेंबर होंगे, साथ में ऑफिस सुपरिंटेंडेंट एसएसए है वो मेंबर सेक्रेटरी होंगे। तो यहाँ पर आप गिनती कर सकते हैं, ये एक सदस्य हो गए, दूसरे हो गए यहाँ पर सीनियर मोस्ट या वाइस प्रिंसिपल होंगे तीसरे, और स्टॉक इंचार्ज है या स्टॉक होल्डर है चौथा हो जाएगा, और स्टोर कीपर है ये पांचवा हो जाएगा, और ओएस या एसएसए वो छह हो जाएंगे। टोटल छह मेंबर होंगे कंडमनेशन और डिस्पोजल कमेटी में। स्कूल लेवल पर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने मेंबर होंगे, छह मेंबर होंगे टोटल। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 359। इफ एन आर्टिकल बिकम्स अनसर्विसेबल बिफोर लाइफ स्पैन ड्यू टू नेग्लिजेंस, फ्रॉड, थेफ्ट, मिसशेप और मिसिंग, फॉर द डिस्पोजल ऑफ सच आइटम्स ए सुटेबल कमिटी विल बी कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एसी ऑफ द आरओ, टू होम कैन दिस कमिटी मेक रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल। यदि लापरवाही, धोखाधड़ी, चोरी, शरारत या चूक के कारण जीवन काल से पहले कोई वस्तु अनुपयोगी हो जाती है, ऐसी वस्तुओं के निस्तारण के लिए आरओ के एसी की अध्यक्षता में एक उपयुक्त समिति का गठन किया जाएगा, ये समिति किसे जिम्मेदार जवाबदेह बना सकती है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो क्लस्टर आईसी है उसके अंडर में एक कमेटी बनेगी, और ये कमेटी है किसको जिम्मेदार ठहरा सकती है। ऑप्शन देख लेते, स्टॉक होल्डर, यूजर, एनी अदर प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न जेएनबी, असिस्टेंट कमिश्नर, डीजीएसएनडी, डिप्टी कमिश्नर, एनवीएसआरओ। सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए, स्टॉक होल्डर, यूजर, एनी अदर, मतलब कि क्लस्टर इंचार्ज एसी है उनके चेयरमैनशिप में कमेटी बनेगी इस तरीके की घटना हो जाती है तो, और वो जिम्मेदार ठहराएगी स्टॉक होल्डर को, यूजर को, या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा या अकाउंटेबिलिटी उसको दी जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं धौलागढ़ माता सीरीज 19 का अंतिम क्वेश्चन 360। Under which rule of GFR 2017 the articles marked for disposal can be auctioned or disposed of to the dealers after the principal has issued a specific sanction order? GFR 2017 के किस नियम के तहत निस्तारण के लिए तय की गई वस्तुओं को प्रिंसिपल द्वारा विशिष्ट स्वीकृति आदेश जारी करने के बाद डीलरों को नीलाम किया जा सकता है या निपटाया जा सकता है? तो कौन सा रूल है जिसके तहत ये आइटम है वो डिस्पोज ऑफ किए जा सकते हैं, ऑक्शन किया जा सकता है प्रिंसिपल के द्वारा, इसके लिए स्पेसिफिक सैंक्शन ऑर्डर लिया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, रूल 217 टू 222, रूल 201 टू 210,
Rule 170 to 122, Rule 227 to 232. सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए, Rule 217 to 222. मतलब कि GFR 2017 के 217 से लेकर के 222 तक ये नियम बनाए गए हैं कि कोई भी आइटम है उसका ऑक्शन किया जा सकता है, और ऑक्शन के लिए ये बात बताई गई है कि स्पेसिफिक ऑर्डर है वो सैंक्शन किए जाएंगे प्रिंसिपल के द्वारा, और तब जा करके ये डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है डीलर को बुला करके, और आइटम है उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, ऑक्शन किया जा सकता है, और जो सबसे ज्यादा कीमत देगा उसको आइटम बेच दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, निस्तारण कर दिया जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने धौलागढ़ माता सीरीज 19 के 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए, और आज के क्वेश्चंस हैं वो आधारित थे कंडमनेशन एंड डिस्पोजल पर आधारित क्वेश्चंस थे। बहुत सारे मित्र हैं वो डिमांड कर रहे थे कि कंडमनेशन और डिस्पोजल पर आप सीरीज लाइए, तो कंडमनेशन से संबंधित कंप्लीट अपडेटेड क्वेश्चंस हैं मैं आपके लिए लेकर के आया। साथियों आपको मालूम है कि धौलागढ़ माता सीरीज है वो यूनिक सीरीज है नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चंस के लिए, यहाँ पर सभी प्रकार के क्वेश्चंस है आपके लिए अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो NBSE स्कीम के कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे हाउस सिस्टम है, रोल ऑफ HMEHM, रेजिडेंशियल सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज, परचेज प्रोसीजर, कंडमनेशन प्रोसीजर, GNVST, ट्रांसफर पॉलिसी। तो कंडमनेशन हमारा बच रहा था उसको इस सीरीज में हम कंप्लीट कर रहे हैं। आपने बाकी सीरीज नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चंस के लिए धौलागढ़ माता सीरीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरी जगह पर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, और ये क्वेश्चंस हैं बिल्कुल ऑथेंटिक और रिलायबल है, आप इन पर विश्वास कर सकते हैं, इनको याद करके और परीक्षा में लिख सकते हैं, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। डियर फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।